ओके ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में, स्टडी कर रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपकी जो प्रोटीन है इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फोर मॉडल प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा था। अगर आपका कोई भी मल्टीमेरिक मोनोमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट है, मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट, अगर आपकी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है तो मैक्सिमम आपकी कौन सी कन्फर्मेशन बना सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी या क्वार्टनरी। तो आपकी जो मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैन बी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बना सकती है, मे बी आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकती है और मे बी आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर बना सकती है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी प्रोटीन्स होती है जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं, वो होती है आपकी मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ठीक है, मोनोमेरिक का मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट। ठीक है, अगर आपकी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, अगर वो लीनियर वे में प्रेजेंट है तो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर इसके अंदर फोल्डिंग प्रेजेंट हो वो फोल्ड होके मे बी आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकती है, मे बी आपकी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना सकती है और मे बी वो ट्रन की फॉर्मेशन कर सकती है। अगर आपकी लीनियर स्ट्रक्चर है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर वो फोल्ड होके मे बी आपका हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है, मे बी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है या फिर आपकी ट्रन की फॉर्मेशंस कर सकती है। तो आपकी जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मे बी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर आपकी टर्सरी, इसके अंदर फोल्डिंग प्रेजेंट हो जाए, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो आपकी जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपकी मोनोमरिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसका एग्जाम्पल है आपका मायोग्लोबिन। ठीक है, तो आपकी जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर लीनियर वे में प्रेजेंट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोल्डेड वे में मे बी हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, मे बी आपकी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो सकती है, मे बी पैरलर और एंटी पैरलर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके टर्न भी हो सकती है सेकेंडरी के अंदर, या फिर आपकी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अपने अंदर क्या करे, फोल्डिंग करके क्या कर सकती है, टर्सरी स्ट्रक्चर बना सकती है, 3D स्ट्रक्चर बना सकती है। ठीक है, तो मे बी आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बना सकती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकती है और आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर बना सकती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपकी जो मोनोमेरिक यूनिट होगी, आपकी जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर तक आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन वो आपकी क्या होगी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होती है आपकी मायोग्लोबिन के अंदर, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। सेकेंड हम बात करें आपकी मल्टीमेरिक प्रोटीन्स की, तो आपकी जो क्वार्टनरी जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होती है आपकी मल्टीमेरिक प्रोटीन से। सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, धीरे फास्ट हो रहा है। यस सर। नेक्स्ट आपका मल्टीमेरिक प्रोटीन, नेक्स्ट आपका मल्टीमेरिक, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। तो ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर क्या हो, मैनी यूनिट हो, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड या फिर हम कह सकते हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीमेरिक प्रोटीन। और आपकी जो मल्टीमेरिक प्रोटीन्स है वो क्या करेगी, आपकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस करेगी। जैसे आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है। अगर लीनियर वे में प्रेजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर उसके अंदर फोल्डेड हो रहे हैं, अगर वो हेलिक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है, मे बी अल्फा हेलिक्स, पाई हेलिक्स हो सकता है, तो मे बी हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है या फिर और मोर फोल्डिंग करके क्या कर सकती है, 3D स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकती है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी दो, आपकी जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर्स है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है आपस में मिलके क्या करती है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस करती है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन सी ऐसी प्रोटीन होती है जो आपकी मल्टीमेरिक होती है, तो इसका एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना दोनों एग्जांपल, आपका जो
मोनोमेरिक का एग्जाम्पल है वो है आपका मायोग्लोबिन, और मल्टीमेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन। आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, आपको पता है आपकी क्वार्टरी स्ट्रक्चर कभी भी मोनोमेरिक नहीं बना सकती, आपकी जो मोनोमेरिक कंडीशन है वो ओनली या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी, या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी, या फिर वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी। जब भी क्वार्टरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगी, आपकी मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेगी, आपस में क्या करेगी, फोल्डेड होगी, ज्वाइन होगी, जिससे क्या होगी आपकी एक क्वार्टरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल है आपका हीमोग्लोबिन, और मोनोमेरिक का एग्जाम्पल है आपका मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमने देखी थी कि आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये आपकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपकी लीनियर होती है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये आपकी जो हायर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हायर जो आपकी कन्फर्मेशन है उसको फॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है, उनकी स्टेबिलिटी में हेल्प करती है, कौन, आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है ये आपकी हेल्प करती है बताने में कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। थर्ड ये बताती है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके अलावा हम नंबर पता लगा सकते हैं, टाइप पता लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, इसके अलावा हम पोजीशन पता लगा सकते हैं, पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आपकी 5 अमाइनो एसिड लॉन्ग एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसमें 5 जो आपके अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है वो कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स है। जैसे नंबर की बात करें तो कितनी नंबर प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स के, 5 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। टाइप की बात करें, मान लो एक सिंगल आपकी जो क्या है एलिलिन क्या कर रही है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशंस कर रही है, पेंटापेप्टाइड की फॉर्मेशंस कर रही है। तो इसमें नंबर की बात करें तो कितने नंबर है टोटल अमाइनो एसिड्स के, 5 टोटल नंबर प्रेजेंट है। टाइप्स की बात करें कितने टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, सिंगल टाइप के प्रेजेंट है, कौन सी आपकी एलिलिन, एक टाइप की क्या प्रेजेंट है इसके अंदर अमाइनो एसिड, 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। बात करें स्ट्रक्चर, तो आपकी एलिलिन की स्ट्रक्चर आपने जो एक डिडक्ट करोगे उससे आप स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हो। नेक्स्ट आप पता लगा सकते हो पोजीशन, क्योंकि एक सिंगल टाइप की है तो 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पांचों पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट है आपकी एलिलिन प्रेजेंट है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स लीनियर होती है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इससे हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पता कर सकते हैं कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, किस किस टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उस अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, और कितने किस पोजीशंस पे कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो सब हम पता लगा सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की हेल्प से। अब हम एग्जांपल की बात करें तो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जांपल है वो है आपका इंसुलिन का, एग्जांपल आपका इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इंसुलिन जो हॉर्मोन है आपकी पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करती है, और ये आपके क्या होता है एक सिंगल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कैसे होता है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, जो आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को क्या करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमें मेन बात करनी है आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो आपका प्रोटीनस इन नेचर का होता है, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंसुलिन की हम फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो इंसुलिन आपका पैनक्रियाज रिलीज करती है बीटा सेल्स, पैनक्रियाज आपकी हेटरोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर बोथ एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करता है और एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है आपका एंजाइम्स रिलीज करता है। तो आपका जो इंसुलिन है ये हार्मोन है एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करता है, और पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट को हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस के नाम से जानते हैं, और आपके जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको पैनक्रियाटिक एसिनी के नाम से जानते हैं। इंसुलिन आपका ओनली सिंगल हार्मोन है जो आपका हाइपरग्लाइसेमिक होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल को क्या करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन सिंथेसिस नहीं करती तो आपके बॉडी में एक डिसऑर्डर्स होता है जिसको हम डायबिटीज
मेलिटस के नाम से जानते हैं, और डायबिटीज मेलिटस दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट और सेकंड। हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपकी एंडोक्राइनो में भी इंपोर्टेंट है, आपकी प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी इंपोर्टेंट है, डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या है हमारा इंपोर्टेंट हॉर्मोन्स है, और मेनली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैंने इसके इंपोर्टेंस बता दिए थे। अब मेनली हमें फोकस करना है, हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो आपका जो इंसुलिन है प्राइमरी स्ट्रक्चर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, आपका इंसुलिन क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका जो इंसुलिन है दो पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एक तो होती है आपकी ए, सेकेंड होती है आपकी बी, ठीक है, दो चेन प्रेजेंट होती है ए और बी। आपका जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर क्या होते हैं आपके 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, और आपकी बी पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है आपके 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो आपका टोटल इंसुलिन हमने कल बताया था कितना होता है, 51 अमाइनो एसिड्स क्या होता है आपका लॉन्ग होता है। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी ये ए चेन है, ए चेन में क्या है आपके 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, और बी चेन में क्या है आपके 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा लंबा बना देते हैं क्योंकि बड़ा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशंस की बात करें और हमारी 21 की बात करें, इसमें फर्स्ट की बात करें और 30 अमाइनो एसिड्स की बात करें, 30th जो पोजीशंस पे जो आपके अमाइनो एसिड होगी वो कौन सी होगी, तो ए चेन की जो फर्स्ट जो पोजीशंस है यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन प्रेजेंट होते, क्योंकि हमने बताया था कि आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपकी टेल करती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं तो इंसुलिन की ए चेन में 21 प्रेजेंट है, बी चेन के अंदर के आपके 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। सेकंड हम पोजीशंस की बात करें तो आपकी ए चेन में फर्स्ट पोजीशंस पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, और 21st पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, आपका एस्पार आपका प्रेजेंट होता है एस्पार्जिनिन ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है, जी एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी एल एन ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है, और आपकी बी चेन के फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होती है आपकी फिलाइन एलेलिन, और 30th पोजीशन पे प्रेजेंट होती है आपकी एलेलिन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे ए चेन पे ग्लाइसिन प्रेजेंट है, 21st पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामाइन प्रेजेंट है, बी चेन के फर्स्ट पोजीशन पे फिलाइन एलेलिन प्रेजेंट है, और 30 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, एलेलिन प्रेजेंट है। इसकी 7th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, 16 प्रेजेंट होता है, 7th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, 16 प्रेजेंट होता है। बी चेन के भी 7th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, 16 प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि आपकी दो ही आपकी अमाइनो एसिड्स है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है आपका, सल्फर प्रेजेंट होता है। तो आपकी 16 के पास क्या प्रेजेंट है आपका, सल्फर प्रेजेंट है, और दोनों 16 के बीच में क्या बनेगा आपका, डाई सल्फाइड बोन, डाई सल्फाइड बोन, ठीक है। तो आपकी ए और बी चेन है आपस में ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई सल्फाइड बोन। ये याद रखना है डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रहे हैं आपके, 16 के बीच में बन रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन इंसुलिन, ठीक है, आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है इंसुलिन में कहां पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रहा हूं। एक में मैं एग्जाम्पल है मिथियोनिन, मिथियोनिन के बीच में प्रेजेंट होता है, 16 के बीच में प्रेजेंट होता है, मिथियोनिन 16 के बीच में प्रेजेंट है, या फिर आपका 16 फिलाइन एलेनिन के बीच में प्रेजेंट है। तो एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली रूल आउट कर देगा क्योंकि फिलाइन एलेनिन में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो आपका 16 और फिलाइन एलेनिन के बीच में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। मिथियोनिन मिथियोनिन में भी बन सकता है, मिथियोनिन 16 में भी बन सकता है, और 16 में भी बन सकता है। तो आपका इंसुलिन के अंदर जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है वो किसके बीच में बनता है आपका, 16 अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रखना है कि आपका जो 16 के बीच में क्या बनता है आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कंफ्यूजन ये हो सकती है क्योंकि आपकी मिथियोनिन और 16 दोनों के पास सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट, सल्फर प्रेजेंट होता है, तो दोनों क्या फॉर्म कर सकते हैं आपकी, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, बट इंसुलिन के अंदर 16 और 16 के बीच में क्या बनता है आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी 6th पोजीशन और इसकी 11th पोजीशन,
इनपे भी क्या प्रेजेंट होता है आपका 16% होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी क्या प्रेजेंट होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपकी जो ए चेन का 19th जो पोजीशन है, 20 जो पोजीशन है उस पे भी क्या प्रेजेंट होता है आपका 16, और आपकी बी चेन का आपका 21st जो आपका पोजीशन है उस पे भी क्या प्रेजेंट होता है आपका 16। तो आपके तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं आपके इंसुलिन के अंदर। एक प्रेजेंट होता है आपका 7th और 7th, ए चेन का 7th और बी चेन के 7th के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 6th और आपके 11th के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और 20 और 21st के बीच में क्या होता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं डाइसल्फाइड, एक आपका इंट्रा चेन, एक होता है आपका इंटर चेन। इंट्रा चेन, सेकंड है आपका इंटर चेन। इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन, और इंटर का मतलब होता है आपका बिटवीन। बिटवीन मीन्स दो के बीच में बात करें तो आपकी दो ए और बी के बीच में आपके दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो इंटर आपके चैन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं। इंट्रा विद इन, एक के ही बीच में, सिक्स और सेवंथ के बीच में क्या बन रहा है, एक सिंगल क्या बन रहा है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। और टोटल की बात करें तो टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है आपके इंसुलिन के अंदर, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किस किस पोजिशन पे आपके बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ए चैन का साइज याद रखना है, बी चैन का साइज रखना है, फर्स्ट और 30 पोजिशन पे क्या प्रेजेंट है, ए चैन के फर्स्ट और 21st पे क्या है, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इंसुलिन, और इंसुलिन के स्ट्रक्चर से जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बताए तो आप सभी एक्सप्लेन कर सकते हो। एक आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स बता सकते हो, कितने अमाइनो एसिड्स है, 51 अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। कितनी चैन प्रेजेंट है, दो चैन प्रेजेंट है, ए और बी चैन प्रेजेंट है, ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, बी चैन के अंदर क्या है 30 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा आप ये बता सकते हो पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, आप बता रहे हो सेवंथ पोजीशन पे दोनों ए और बी चैन में क्या प्रेजेंट होता है, 16 प्रेजेंट होता है। ए चैन की फर्स्ट पोजीशन पे ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, बी चैन की फर्स्ट पोजीशन पे आपका फिलाइन एलेनिन प्रेजेंट होता है। तो आप पोजीशन बता सकते हो, नंबर बता सकते हो, ठीक है, कितने टाइप्स की अमाइनो एसिड ये बता सकते हो, कौन कौन सी अमाइनो एसिड के बीच में आपका बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लिख लिया सर? एक सेकेंड सर, जो राइट मोस्ट साइड में लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार रिपीट करना, डाइसल्फाइड बॉन्ड राइट मोस्ट। ये क्वेश्चन बोला था मैंने कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है विच अमाइनो एसिड, मिथियोनिन मिथियोनिन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 16 16 के बीच में प्रेजेंट होता है, मिथियोनिन 16 के बीच में प्रेजेंट होता है, या 16 फिलाइन एलेनिन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो आप एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हो, क्योंकि आपकी फिलाइन एलेनिन के अंदर सल्फर नहीं प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, सल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन तो आपका रूल आउट हो जाएगा, ठीक है। ए आपका ऐसे रूल आउट हो जाएगा क्योंकि 16 16 के बीच में प्रेजेंट होता है, सी आपका वैसे रूल आउट हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, कि आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है आपके 16 16 अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। इंसुलिन के अंदर आपके इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सिंगल, और इंटर प्रेजेंट होते हैं आपके 2, और टोटल प्रेजेंट होते हैं आपके 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सर एक बार स्क्रीन क्लियर करना। क्या रिपीट करना है? स्क्रीन क्लियर कर दो, क्लियर नहीं है इधर, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक होती है इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड होती है इसके अंदर प्लीटेड स्ट्रक्चर, और थर्ड होती है इसके अंदर आपकी टर्न। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक है आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर, सेकेंड है आपकी प्लीटेड स्ट्रक्चर, और थर्ड है आपके टर्न। हेलिकल में भी आपके अल्फा हेलिकल हो सकते हैं, आपके पाई हेलिकल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हेलिकल्स होते हैं। अल्फा हेलिकल आपके मे बी राइट हैंडेड हो सकते हैं, और मे बी आपके लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं। ये आपके स्क्रू सेंस पे, आपका स्क्रू सेंस, जैसे हम हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म करें और स्क्रू सेंस से उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मिल रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मिल रही है, उसके बेसिस पे जो आपका अल्फा हेलिकल है वो मे बी आपका राइट हैंडेड हो सकती है या मे बी आपका लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं।
प्लीटेड में आपका क्या होता है, आपकी मोस्टली कौन से होते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होते हैं, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। और आपकी जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है ये आपकी मे बी पैरेलल प्रेजेंट हो सकती है और मे बी क्या हो सकती है आपकी एंटी पैरेलल, क्योंकि आपके बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बीटा प्लीटेड की बात करें तो दो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर आपके दोनों सेगमेंट क्या हो आपके एन एन और सी दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस आपकी क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर है, अगर आपका एक टर्मिनल पे एन हो दूसरे पे सी, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे फिर से रिपीट कर दो, कुछ भी नहीं दिख रहा सर, बोर्ड क्लियर नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से ओके में भी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। नो सर, थोड़ा बड़ा लिखो बस, छोटा बहुत लिखते हो आप। छोटा नहीं लिख रहा मैं, बहुत बड़ा लिख रहा हूँ। आप देखो चार वर्ड लिखे हैं मैंने, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। एक मिनट रुको, मैं एक बार ऑफ करके ऑन करता हूं। अब सही दिख रहा है? निखिल, वर्षा, सीमा, सोनू? नो सर, किसी को भी नहीं दिख रहा साफ। यहाँ पे स्क्रीन पे भी साफ दिखा रहा है मेरे को तो। सर अब क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टर्न की बात कर रहे थे, तो फोर्थ से फाइव अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है, अल्फा के अंदर फाइव होते हैं, बीटा के अंदर फोर अमाइनो एसिड्स और गामा के अंदर क्या होते हैं आपके थ्री अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं पांच अमाइनो एसिड लॉन्ग एक पेप्टाइड है तो इसके अंदर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंटा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन है आपके 6, 4, 3, 2, 4, क्योंकि आप दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, थर्ड अमाइनो एसिड अटैच होगी तो सेकंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और फोर्थ आपके अमाइनो एसिड होगी तो आपका थर्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, और आपका फिफ्थ जो आपके अमाइनो एसिड अटैच होगी उससे क्या होगा आपका चार पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आपकी जो टर्न है फोर टू फाइव अमाइनो एसिड लॉन्ग होती है, अल्फा टर्न के अंदर क्या होता है आपके फाइव अमाइनो एसिड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में आपके पेप्टाइड बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे, फोर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बीटा की बात करें फोर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो फोर के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे आपके तीन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और गामा के अंदर आपके क्या है तीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो तीन अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है आपके दो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। मैंने थोड़ा सा आउटर बताया, एक को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आउटर एक बार आप पढ़ लो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्री फॉर्म होती है, हेलिकल, प्लीटेड और टर्न। हेलिकल आपकी अल्फा पाई, और अल्फा आपका राइट और लेफ्ट हैंडेड आपकी अल्फा हेलिकल हो सकता है, प्लीटेड आपकी मे बी आपकी पैरेलल हो सकती है और मे बी एंटी पैरेलल हो सकती है, और प्लीटेड सीट के अंदर क्या होता है आपकी पॉलीपेप्टाइड के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा थर्ड है आपका टर्न, आपकी जो अल्फा हेलिकल है और प्लीटेड सीट है इनको आपस में ज्वाइन करने का काम कौन करता है, आपका टर्न काम करता है, और टर्न आपके तीन टाइप के होते हैं, एक आपका अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा के अंदर फाइव अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बीटा के अंदर फोर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और गामा के अंदर क्या होते हैं आपके थ्री अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो फाइव अमाइनो एसिड तो फोर थ्री टू, इसके अंदर क्या होता है आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था,
और आपकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी जो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, आपकी जो अमाइनो एसिड जोन होंगे वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड से प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा जो फोल्डिंग प्रेजेंट होगी जिससे हेलिकल फॉर्म होता है उसके अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस देखी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो फॉर्मेशंस हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एटम के बीच में बन रहे हैं। तो आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वो आपके कार्बन, आपका जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन एटम के साथ, और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके कार्बोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ, और आपके अमाइड ग्रुप के आपके हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक का आपके कार्बोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन और अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। आपके जो हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी आपके इंटरचेन हो सकते हैं और मे बी इंट्रा चेन हो सकते हैं। तो आपकी जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है, राइट जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो इसके अंदर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इंटर इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में क्या होता है, आपकी इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें एक अमाइनो एसिड जो रेजिड्यू प्रेजेंट है, एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, एक टर्न के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और एक टर्न की बात करें तो एक टर्न के अंदर आपके क्या होते हैं 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपकी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम और अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के साथ प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, आपका इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, चेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है, और एक जो आपका अमाइनो एसिड है, जैसे एक टर्न के अंदर आपके 3.6 अमाइनो एसिड है, तो आपकी जैसे 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड एंड ये फोर्थ, तो इसका कंप्लीट फोर्थ नहीं होती, फोर्थ से थोड़ी कम होती है, दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं 3.6 अमाइनो एसिड, और दो अमाइनो एसिड के बीच का जो टर्न होता है, जो डिस्टेंस होता है उसका, वो कितना होता है आपका 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम पिच की बात करें तो पिच होती है इसकी 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपकी जो अल्फा हेलिकल्स की जो पिच होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है, एक दो अमाइनो एसिड के बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है आपका 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक टर्न के अंदर क्या होता है आपके 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड जो स्ट्रक्चर आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर है वो है आपकी प्लेटेड स्ट्रक्चर आपकी सेकेंडरी के अंदर। मत करो क्या, पहले मैं आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने बताया था कि आपकी 3.613 होता है। ठीक है, तो 13 का मतलब क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपके कार्बोक्साइल ग्रुप और आपके जो अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन और कार्बोक्साइल ग्रुप के आपके ऑक्सीजन के साथ कैसे फॉर्म होता है। तो आपका फर्स्ट जो आपका कार्बन है, एक अमाइनो एसिड में फॉर्म कर रहा हूं, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है आपका, एक तो आपका अमाइड ग्रुप अटैच होगा, एक इसके अंदर क्या होता है आपका कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन मतलब एक सिंगल अमाइनो एसिड, एक सिंगल अमाइनो एसिड में एक आपका अल्फा कार्बन के साथ एक आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ क्या होगा आपका सेकंड अमाइनो एसिड का आपका अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसी के साथ क्या होगा आपका सी अल्फा कार्बन, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसको मैंने हाइड कर लिया, तो आपकी ये जो अमाइनो एसिड्स है ये आपकी एक सिंगल अमाइनो एसिड है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी एन के अंदर एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है।
इसको मैंने हाइड कर लिया तो ये आपकी सेकंड अमाइनो एसिड है, एक अल्फा कार्बन, एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड का आपका अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन प्लस वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, थर्ड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से क्या होगा आपका, ये अटैच होगा, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। एन वन एन टू एन प्लस टू, ठीक है। तो ये आपकी एक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, सी अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप। ये आपकी सेकंड अमाइनो एसिड्स है, आपकी अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसको हम हाइड कर दें तो आपकी ये थर्ड अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये आपकी फोर्थ अमाइनो एसिड्स है, ये आपका अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन। ये आपकी फिफ्थ अमाइनो एसिड्स है जिसका आपका ये अल्फा कार्बन है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। और इस तरह से आपकी जो चेन है वो अपने आप में क्या कर रही है, अमाइनो एसिड को ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम बात करें हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपका कैसा, आपका इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकेंड हमने बताया था कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ और आपका जो अमाइड है उसके हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होता है। तो आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन सा होगा वो हमेशा कैसा होगा, N प्लस N4, N और N4 के बीच में बनेगा। मतलब जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन एंड फोर्थ अमाइनो एसिड का आपका अमाइड ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे हम बात करें आपकी फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और आपकी फोर्थ जो अमाइनो एसिड है N प्लस फोर, फोर्थ जो अमाइनो एसिड है इसका आपका अमाइन ग्रुप के बीच में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और हम इनके बीच में एटम्स की बात करें तो आपका ऑक्सीजन फर्स्ट मॉलिक्यूल है, कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन थर्ड मॉलिक्यूल है, अल्फा कार्बन फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, 12 और ये आपका 13। इसलिए हम क्या कर रहे हैं अल्फा हेलिकल्स के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे 3.6 और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम 13 से, अल्फा 3.6 13 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 13 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और आपकी फोर्थ अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच में जो एटम्स है वो आपके कितने प्रेजेंट है 13 एटम्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा 3.6 13 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इंट्रा चेन बनेगा, एक ही चेन के बीच में बन रहा है, एक अमाइनो एसिड का आपका ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप में और सेकंड में आपका जो फोर्थ जो आपकी अमाइनो एसिड है उसके अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सेकंड हम बात करें तो आपका एन वन जो है आपका एन वन किसके साथ फॉर्म बनाएगा, फिफ्थ कौन सी होगी एन वन के बाद, फोर्थ कौन सी होगी आपकी एन प्लस फिफ्थ, इनके बीच में जो डिफरेंस है कितने अमाइनो एसिड्स का आपका फोर का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपकी जो एन वन का इसकी बात करें तो एन वन का ये कार्बोक्सिल ग्रुप है आपका और आपकी एन फिफ्थ के कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें इसके अमाइड ग्रुप की।